हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास कुछ एसिड और बेसिस के सैंपल्स हैं। इसमें से एसिड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, एसिटिक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द वर्ब सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। हमने इन सभी के एक एक ड्रॉप जो है सीक्वेंस में, सीरियल ऑर्डर में वॉच ग्लास के ऊपर डालनी है। टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, और हमने इन सभी को इंडिकेटर की हेल्प से टेस्ट करना है कि इसमें से कौन से एसिड है और कौन से बेस है। और इनको टेस्ट करने के लिए हम यहां पे कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनॉल फथालीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फोर इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? रेड लिटमस, रेड लिटमस पेपर भी होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, ब्लू लिटमस पेपर भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है, और एक हमारे पास है फिनॉल फथालीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और फिनॉल फथालीन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो हम ये चारों इंडिकेटर यूज करके ऊपर हमें जो सैंपल्स दिए हैं उनको हम टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और मैंने आपको पहले ही बताया है जो इंडिकेटर्स होते हैं जब एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप ये टेबल नोट डाउन कर लो, ये टेबल नोट डाउन करेंगे आप, और इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि आपकी बुक में ये गिवन नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर डालने से एसिड का क्या कलर चेंज होगा, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है। आप इसको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक पे। तो अब इसको अंडरस्टैंड करो कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, NaOH, KOH है। हमारे पास मैंने टू एसिड्स लिए हैं, दो बेस लिए। अब हम इनको टेस्ट कैसे करेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है? तो हम इनको चारों इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। हमने टेस्ट करना है कि ये एसिड है। हमें पता है कि जो ब्लू लिटमस होता है वो क्या करता है, एसिड का कलर, ब्लू लिटमस जो है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, मैंने बताया था, रेड हो जाता है। मतलब ब्लू लिटमस जो है एसिड का कलर रेड कर देता है। मतलब जब हम इसको टेस्ट करना है, हमने HCl को, हम क्या करेंगे, इसकी एक ड्रॉप लेके ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। इसी तरह HNO3 को भी हम टेस्ट करेंगे तो ये भी, इसका भी कलर, इसकी हम एक ड्रॉप जब ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये एसिड है। तो NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इनकी एक एक ड्रॉप ब्लू लिटमस में डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जब बेस जो है वो ब्लू लिटमस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका कोई कलर चेंज नहीं होता, तो इससे हमें ये शो हो जाएगा कि ये दोनों बेस हैं। इसी तरह हम रेड लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे, तो अब जब हम HCl की ड्रॉप रेड लिटमस पे डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा जब HCl और HNO3 की एक एक ड्रॉप रेड लिटमस पे डालेंगे, लेकिन जब हम NaOH और KOH की एक एक ड्रॉप रेड लिटमस पे डालेंगे तो रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस का कलर क्या कर देते हैं, ब्लू। तो इसका मतलब NaOH और KOH जो है वो क्या है, रेड लिटमस पेपर्स के साथ इनका कलर जो है, इनके संपर्क में जब रेड लिटमस आता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बेस है। इसी तरह हम फिनॉल फथालीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ चेक करेंगे कि जब हम एसिड की एक ड्रॉप फिनॉल फथालीन में डालेंगे तो उसका कलर अगर कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब ये एसिड है, क्योंकि फिनॉल फथालीन जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, वो उसका कोई कलर नहीं रहता। तो इसी तरह जब हम NaOH की ड्रॉप फिनॉल फथालीन में डालेंगे तो फिनॉल फथालीन का जो कलर है पिंक हो जाता है, क्योंकि जो फिनॉल फथालीन इंडिकेटर है जब बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका कलर जो है वो पिंक होता है। इसी तरह हम मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, इसकी हेल्प से भी हम एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, HCl और HNO3 की एक एक ड्रॉप जब मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है एसिड के कॉन्टेक्ट में आने से रेड होता है, इसका मतलब अगर इसका कलर रेड हो गया तो जो ड्रॉप्स हमने डाले हैं वो एसिड है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है। इसी तरह जब हम ये दो सैंपल लेंगे और इनका एक एक ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है बेस के कॉन्टेक्ट में आने से येलो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH और KOH है जो है वो बेस है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जब भी बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने ये एक्टिविटी की है
कि हम ये चारों इंडिकेटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो आपने इसको लर्न करना है कि कैसे कैसे कलर जो है वो चेंज होता है। तो इसका मतलब हमें ये भी बात क्लियर होगी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो हमें ये इंडिकेटर ये बताते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस, उनका कलर देख के हमें ये पता चल जाता है कि क्या कलर चेंज हुआ, कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनका जो है ऑडोर, मतलब जिनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है जब एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं कि जब ये एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका जो स्मेल इनकी पहले होती है वो नहीं रहती। जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनकी कुछ और स्मेल हो जाती है, जब बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनकी स्मेल कुछ और होती है। तो इसका मतलब ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर जो है उनकी ऑडोर चेंज होती है जब वो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो अब हम इसी बात को एक एक्टिविटी के थ्रू लर्न करेंगे। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। हमने क्या करना है, अनियन के कुछ पीसेस लेके उनको प्लास्टिक के बैग में डाल देना है और उनके साथ ही हमने कुछ क्लोथ के, मतलब कपड़े के कुछ पीसेस भी उसी बैग में अनियन के साथ डाल देने हैं और उसको टाई करके हमने उसको पूरी रात फ्रिज में रख देना। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। और नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, जो क्लोथ स्ट्रिप्स आपने अनियन के साथ बैग में डाले थे उनमें से भी कैसी स्मेल आएगी, प्याज की स्मेल आएगी। तो अब हम ये जो अनियन हो गया वो क्या हो गया, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया। अब इसकी हेल्प से हम एसिड और बेस टेस्ट करेंगे। अब इसकी स्मेल जो थी, जो कपड़े के पीसेज हैं जब हमने उनको अनियन के साथ रखा था उनकी स्मेल भी अनियन जैसी होगी और अनियन एक ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करेगा। अब हम इसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे एसिड और बेस को।